हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मटन करी रेसिपी। और ये जो रेसिपी है ये मेरी मम्मा के और मेरी दादी के बनाई गई, जैसे मेरी मम्मी दादी बनाती है ना वैसे ये रेसिपी है। और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये वो कैसे बनाते थे और इसी हिसाब से मैं भी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। चलो हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैंने सामग्री ली थी, ये जो लगने वाले जब सामग्री यानी ये जो मसाले उसके लिए लगने वाले है उसके लिए ये सूखा धनिया है और लहसुन, अदरक, हरा धनिया, दो प्याज और सूखा भुना चना और ये है शेंगदाना और ये है दो तीन इलायची और ये सूखी मिर्चें और ये सूखा खोबरा यानी कोकोनट। और ये जो कोकोनट है हमें कद्दूकस करके अच्छे से बारीक कर लेना है और इन सब मसालों को हमें अच्छे से भूनना है। सबसे पहले हम भूनेंगे चने और शेंगदाने और जो इलायची थी वो हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद हम भूनेंगे धनिया भी अच्छे से हमें भून लेना है। अच्छे से भूनने के बाद इसको भी एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। इसके बाद भुनेंगे हम लाल मिर्च। लाल मिर्च में थोड़ा सा ऑयल डालना है और इनको भी अच्छे से भून लेना है और एक प्लेट में इनको भी निकाल लेना है। उसके बाद हम जो ड्राई कोकोनट था उसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया था मैंने और उसको भी अच्छे से हम भून लेंगे और उसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये पूरे सूखे मसाले मैंने अच्छे से भून लिए हैं, इसकी हमें अच्छे से पेस्ट बना लेनी है। मैं मिक्सर जार में डाल के इसको अच्छे से पीस लेने वाली हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हमें ये पेस्ट एकदम बारीक पीसना है। ये मैंने पानी डाल दिया और इसको अच्छे से बारीक हम पीस लेंगे। ये देखो मैंने अच्छे से पीस लिया है, इस प्रकार इसको हमें पीस लेना है और इसको साइड में रख देना है। उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने प्याज भूनने के लिए रखा और उसको भी एक प्लेट में निकाल लिया। अभी हमें सबसे पहले लहसुन, अदरक और हरा धनिया और जो हमने प्याज अभी भुना था वो भी इसमें डाल के हमें अच्छे से इसकी भी एक पेस्ट बना लेनी है। थोड़ा सा पानी डाल के इसकी भी हमें अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। ये देखो ये पेस्ट मैंने रेडी कर ली है, अब इसको साइड में रख देंगे। उसके बाद मैंने मटन को अच्छे से धो लिया है, उसको हम लगाएंगे लगभग 2 चम्मच नमक और हल्दी पाउडर अच्छे से लगा के मैरिनेट कर लेंगे। इसको नमक और हल्दी अच्छे से लगाना है, अच्छे से सभी इसको लगा लोगे, हाथ से इसको लगाना है। इसके बाद कुकर में मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम करने के लिए रखा। ऑयल अच्छे से गरम होने के बाद उसमें डालूंगी मैं प्याज। एक प्याज काट के डाला था मैंने और अच्छे से इसको भून लेंगे। और इसके बाद इसमें जो मटन हमने हल्दी और नमक लगा के रखा था वो इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे गरम पानी। हमें इसमें गरम पानी ही यूज़ करना है। थोड़ा सा साइड में मैंने भर गरम पानी कर लिया और इसमें डाल दिया। पानी लगभग 2 ग्लास पानी डाला है मैंने, 1 केजी मटन के लिए 2 ग्लास पानी सफिशियंट हो जाता है और वो डालना है इसमें। और फिर कुकर बंद करके इसकी 3 सीटियाँ निकाल लेनी है।
अभी 3 सीटी निकलने के बाद ये पक चुका है। अभी साइड में मैंने रख दिया है एक पतीला, उसमें ऑयल डालूँगी और अभी हम इसमें मसाले अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से ग्रेवी का मसाला हमें भून लेना है। पहले मैंने ऑयल लगभग 2 बड़े चम्मच ऑयल मैंने इसमें डाला है। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक और प्याज का जो पेस्ट हमने निकाला था वो 2 चम्मच इसमें ऐड डालने वाले हैं। अच्छे से ये मसाला हम भून लेंगे। अच्छे से भून लेना है, इसका पूरा कच्चापन हमें निकाल देना है। और अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले की जो हमने पेस्ट बनाई थी वो डालेंगे 2 चम्मच बड़े 2 चम्मच ये भी डाल देंगे और अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब ये मसाला भी हमें अच्छे से भून लेना है। अच्छे से 3-4 मिनट के लिए इसको भूनते जाना है, चलाते जाना है ऑयल छूटने तक। और इसके इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर 1 चम्मच। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे मिर्च पाउडर। आपको जिस हिसाब से मिर्च पाउडर डालना है उस हिसाब से, जैसे आपको जितना तीखा लगता है उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हो मिर्ची पाउडर। इसमें हमने पहले भी मिर्ची डाली है सूखी हुई इसलिए। इसके बाद इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। ये जो गरम मसाला है काला गरम मसाला है सूखा वाला जो मार्केट में मिलता है। इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसको हमें पकने के लिए छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए और कम गैस करके। और उसके बाद मैंने कुकर को खोल के देखा है, देखो हमारा मटन अच्छे से पक चुका है, अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है। अभी ये जो हमने मसाला भुना था इसमें हमें ये मटन ऐड कर देना है। ये देखो ये हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, इसका ऑयल भी छूट चुका है अच्छे से। अभी इसमें हम ये मटन जो हमने पकाया था ये इसमें ऐड कर देने वाले हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है मटन को इस मसालों में। और अभी इसको 3-4 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लाना है और ग्रेवी को अच्छे से पका लेना है। ये देखो हमारी ग्रेवी अभी अच्छे से पक चुकी है, सब्जी खाने के लिए रेडी हो चुकी है। इसमें हरा धनिया डाल के हम इसको सर्व कर सकते हैं। देखो अभी मैं इसको एक कटोरी में निकाल ले रही हूँ खाने के लिए। आप इसको चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, ज्वारी की रोटी के साथ, जिसके साथ आपको अच्छा लगता हो उसके साथ खा सकते हो। ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है, ये ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। आप बना के देखिए और आप मुझे बताइए कि आपको ये कैसे लगी। और आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करिए। धन्यवाद आपका रेसिपी देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।